हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं विकास डे 90। मेरा नाम विकास कुमार। सेम ऐसा ही फ़ोटो एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूं मैं, कैसा एडिट करते हैं आपको। तो जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, PNG जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको तीन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, पीस कट एप्लीकेशन और फोटो रूम। फोटो रूम से भी ऐप कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रेमनी की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। तभी आप ऐसा सेम फ़ोटो आप बना सकते हैं, मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो। तो मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो HD में देखिए कितना अच्छा बनाया हूँ मैं। देखिए HD में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस देखिए, इसका HD में दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसा सेम फ़ोटो बनाने के लिए वीडियो में शुरू से तक बन रही है। आप सबसे पहले आप तो मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप ऐसा सेम फ़ोटो बना सकते हैं। चलिए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों इसी फ़ोटो को एडिट करना है। इस फोटो को आप देखिए मैं कैसे एडिट करता हूँ। आपको इतना HD दिखाएगा, क्लियरिटी में तो आप बता ही नहीं सकते कि आप मोबाइल का फ़ोटो है या कैमरा का। तो चलिए मैं वीडियो चालू करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, रेमनी फ़ोटो को रेमनी करना है। रेमनी फ़ोटो को मैं कर रहा हूँ। इतना आने के बाद दोस्तों ये इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए भी 30 सेकंड का आएगा आपको ऐड, उसको फुल देखना है। ऐड को मैं देख रहा हूँ, फुल ऐड को दोस्तों मैं फुल देख लिया। ऐड को फुल देखने के बाद कट कर देना है। कट करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है फ़ोटो, अब HD में दिख रहा है। इधर देखिए फ़ोटो कैसा है और ये देखिए फ़ोटो कैसा हो गया, HD में हो गया। और इसको डाउनलोड करते हैं, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर एक ऐड आएगा इस पर, उसको भी देख रहे हैं। मैं ऐड को देखिए, देख सकते हैं दोस्तों ये ऐड आ गया है। ये ऐड को मैं कट कर देता हूँ। ऐड हो गया कंप्लीट और डाउनलोड भी हो गया। ओके हो गया डाउनलोड, रन कर देना है और बैक आ जाना है। देखिए दोस्तों ये हो गया फ़ोटो। इसके बाद इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड के रिमूव करने के लिए आपको फ़ोटो रूम एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में ले जाता हूँ फ़ोटो को। फ़ोटो रूम में देखिए ले जा रहा हूँ मैं, ये रहा फ़ोटो रूम। और इस पर क्लिक करके फ़ोटो रूम में ले जा रहा हूँ। इसको बैकग्राउंड रिमूव करना है पहले। बैकग्राउंड देखिए रिमूव हो गया। आप इधर भी से भी कर सकते हैं, हो सकते हैं नहीं तो आपको बाद डाउनलोड करने का समय नहीं होगा एप्लीकेशन को, तो आप गूगल से भी कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ गूगल से। देखिए पहले गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है आपको रिमूव बीजी पर सर्च कर चुका हूँ। रिमूव बीजी पर सर्च करने के बाद ये रिमूव बीजी पर क्लिक करना है। ये रिमूव बीजी पर क्लिक करके अपना फ़ोटो ऐड करना है। नीचे देखिए अपलोड हो रहा है, देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक करके आपको ये फ़ोटो इमेज करना है ऐड और ओके कर देना है। देखिए अपने आप ही बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसका वीडियो भी बनाया हूँ मैं, मेरा वीडियो देख सकते जाके। और इसके बाद डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। डाउनलोड हो गया है। इसके बाद आपको इस बैकग्राउंड को जो आप बनाना चाहते हो, देखिए 3-4 मेरे पास है बैकग्राउंड, जो भी बनाना चाहते हो वो आप बैकग्राउंड लेकर और पिस्कैट एप्लीकेशन में जाना होगा। मैं जा रहा हूँ, देखिए ये रहा पिस्कैट एप्लीकेशन दोस्तों। इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके और फोटो को जो बैकग्राउंड आपको दिखाया है 3-4, जिस बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हो उसको ऐड, जितना आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो ऐड कर सकते हो। ये मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ, ये बैकग्राउंड ले लिया। और जो मैं बैकग्राउंड हटाया जो फ़ोटो को उसको ऐड करना है आपको। ऐड करने के लिए ऐड फ़ोटो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो को ले रहा हूँ। तो दोस्तों ऐड कर दिया फ़ोटो को। ऐड करने के बाद देखिए ये फ़ोटो उल्टा है, तो इसको सीधा करने के लिए क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसको फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर देना है।
अच्छा सजेस्ट कर दे रहा हूँ। दोस्तों ऐसा सजेस्ट कर दिया मैंने, आप भी ऐसे ऐसे एडजस्ट कर दीजिएगा ताकि फ़ोटो देखने में अच्छा लगे। इतना होने के बाद दोस्तों फिर से एक ऐड PNG को ऐड करना है, जो ऐड कर दे रहा हूँ मैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसको पहले सेव कर लेता हूँ एडजस्ट करके, सेव कर लेता हूँ और उसका उस फोटो वाला ऑप्शन को ले लेता हूँ फिर से। ओके कर देता हूँ, अब हो गया दोस्तों। क्या ही फोटो अच्छा दिख रहा है, पहले कैसा फोटो था और देख सकते हैं कितना अच्छा फोटो हो गया, अच्छा बन गया। तो ऐसा ही अपना फ़ोटो बनाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।